हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। आई एम मिसेस अनुजा पांडे। आई एम एन इंग्लिश टीचर इन नवज्योति ग्लोबल स्कूल। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट द होम। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 अंग्रेजी की बुक एनसीईआरटी पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, हनीकॉम जो हमारी बुक्स है वो हनीकॉम है। ठीक है, आज बच्चों जो हम पोयम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है चीनी। ठीक है बच्चों, इससे पहले हम चैप्टर 4 पढ़ चुके हैं। ठीक है, द असिस डेट मेड ट्रीज ब्लू। ठीक है, बहुत राग जिसने पेड़ों पर फूल उगाए। चैप्टर 4 के आफ्टर एक पोयम है जिसका जो सारांश हमें दिया गया है वो क्या है, चीनी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चीवी जो पोयम है। ठीक है, हमें क्या कहा गया है और जो चीवी है उसका जो मतलब है वो क्या होता है। चीवी मीन्स होता है किसी को कुछ करने के लिए लगातार आग्रह करना या फोर्स करना। ठीक है, एकदम कष्टप्रद तरीके से, मतलब शब्द कोश के अनुसार। मतलब जैसे हम अगर किसी को, आपने भी देखा होगा कि अगर आप किसी को कोई काम करवा रहे हैं, ठीक है, या किसी काम के लिए आप बोल रहे हैं, तो क्या होता है, हमें अगर उससे हम प्यार से बात करेंगे, अच्छे से उसे समझाएंगे, तो वो हमारी बातों को समझेगा। बट यहाँ पे हमें जो पोएट है उन्होंने जो यहाँ पे चीवी का डिस्कशन किया है, चीवी पोयम का, तो उन्होंने यहाँ पे बोला है कि कैसे, ठीक है, अगर हम किसी को मतलब कुछ बताते हैं तो मतलब किसी को कोई भी बात के लिए अगर हम लगातार फोर्स करते हैं, बार बार उसे टोकते हैं, तो वो क्या होता है, कष्टप्रद तरीके से। ठीक है, मतलब बहुत गंदे तरीके से कि तुमने ये क्यों नहीं किया और ऐसा क्यों नहीं किया, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस इसमें हैं। हम जब पोयम स्टार्ट करेंगे तो आप उसमें समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या बोला क्या है। ठीक है, लेट नाउ स्टार्ट एक पोयम चीवी। आस्क यूअर सेल्फ एज वेल एज यूअर पार्टनर। ठीक है, अब हम इसमें क्या सकते हैं, अपने आप से और अपने साथी से भी पूछे, क्या डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड व्हाट टू यू और नॉट टू डू। क्या आपको हमें यह बताया जाना पसंद है, ठीक है, कि आपको क्या करना है, ठीक है, या क्या नहीं करना है। ठीक है, आपको यह मतलब बार बार बताना जाना पसंद है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, इन यूअर एक्सपीरियंस। ठीक है, क्या आपके अनुभव में बड़े लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, आपके अनुभव में बड़े लोग ऐसा करते हैं कि आपको मतलब बार बार ये कहा जाए और मतलब टोका टोकी की जाए। तो जो पोएट है उन्होंने यहाँ पे इसका जिक्र किया है, वेन माइकल वॉज 5 years old। ठीक है, यहाँ पे हम जो कहानी है वो अब क्या है, जब माइकल 5 साल का था। माइकल वॉज 5 years old। जब माइकल 5 साल का था, हिज मदर टूक हिम टू ए नियर बाय स्कूल फॉर एडमिशन। तो उसकी मम्मी उसे पास एक स्कूल में एडमिशन के लिए ले गई। द टीचर आस्क्ड, टीचर ने पूछा, ठीक है, व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम। ठीक है, उसकी टीचर्स ने उससे क्या पूछा कि आपकी माँ आपको घर में क्या बुलाती है बेटा। ठीक है, माइकल डोंट कम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई। माइकल ने क्या करा, माइकल मत करो आश्वस्त उत्तर। ठीक है, माइकल मत करो, मतलब माइकल ने, माइकल डोंट, माइकल मत करो कम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई, और एक मतलब आश्वस्त उत्तर के साथ, मतलब क्या कह सकते हैं, टोका टोकी के साथ। ठीक है, मतलब एक रिप्लाई जो आया था वो टोका टोकी वाला हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एक मतलब नोट दिया हुआ है, टू चीवी इज टू नेक। फिर क्या है चीवी का मतलब, टू कंटिन्यूसली अर्ज समवन टू डू समथिंग ऑफ्टन इन एन annoying way according to the dictionary। फिर हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, चीवी को, मतलब जो चीवी का मतलब है किसी को कुछ करने के लगातार आग्रह करना है शब्दकोश के अनुसार, एकदम कष्टप्रद तरीके से। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं, रीड द पोयम नाउ। यहाँ पे हम अपनी पोयम जो है वो शुरू करते हैं और उसे पढ़ते हैं। ठीक है, ग्राउंड अप से थिंग्स लाइक स्पीक अप। अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं,
बड़े लोग ग्रोन अप से थिंकिंग लाइक स्पीकर, बड़े लोग इस तरह की बातें करते हैं, ठीक है। डोंट टॉक विद यूअर माउथ फुल, फिर क्या होता है, डोंट स्ट्रे, क्या होता है, स्पष्ट कहते हैं, और विद टॉक यूअर माउथ फुल, और मुंह भरकर बात ना करें, मतलब बड़े लोग अक्सर कहते हैं और साफ कहते हैं कि मुंह भरकर बात ना करें, और डोंट स्ट्रे, और मतलब कि घूरो मत, मतलब क्या होता है कि अगर आप बात कर रहे हो तो घूरो मत, डोंट पॉइंट, ठीक है, इशारा मत करो, डोंट पिक यूअर नोइस, फिर हम क्या कह सकते हैं, अपनी नाक मत उठाओ, ठीक है, सिट अप, जागते रहना, से प्लीज, कृपया बोलिए, लेस नोइस, कम शोर। सेट अ डोर बिहाइंड यू, ठीक है, सेट अ डोर बिहाइंड यू, अपने पीछे का दरवाजा बंद करो, डोंट ड्रैग यूअर फीट, फिर हम क्या कह सकते हैं, अपने पैर मत खींचो, ठीक है, अपने पैर मत खींचो, हैव नॉट यू गॉट ए हैंकी, और क्या, क्या तुम्हारे पास हैंकी नहीं है, हैंकी मीन्स रुमाल, ठीक है, क्या तुम्हारे पास हैंकी नहीं है, टेक यूअर हैंड्स आउट ऑफ यूअर पॉकेट, पॉकेट में जेब, हैंड मीन्स हाथ, ठीक है, यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अपनी मतलब जो अपने हाथ हैं वो अपनी जेब से बाहर निकालो, कभी आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो अक्सर दोनों हाथ पॉकेट में रख के किसी को रिप्लाई देते हैं तो, और दौड़ते हैं तो इससे क्या होता है, वो गिर जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए उनको यहाँ पे बार बार मतलब कंटिन्यू उनको बोला गया है कि ये सब मत करो। आगे बढ़ते हैं, पुल यूअर सॉक्स अप, ठीक है, अपने मोजे ऊपर खींचो, कभी ऐसा होता है ना कि अगर कुछ सॉक्स जो होते हैं वो पुराने हो जाते हैं, जो उनकी रबर होती है वो थोड़ा लूज़ हो जाती है, जो लास्टिक होता है वो लूज़ हो जाता है, इसलिए बार बार उनको कहा गया है कि अपनी सॉक्स ऊपर खींचो, स्टैंड अप स्ट्रेट और सीधे हो जाओ, ठीक है, से थैंक यू, शुक्रिया कहें, ठीक है, से थैंक यू मतलब शुक्रिया कहें, डोंट इंटरपुट, फिर क्या कह सकते हैं, मतलब बाधित ना करें बिल्कुल भी, क्या कह सकते हैं हम, बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें, ठीक है, नो वन थिंक्स यू आर फन, ठीक है, कोई नहीं सोचता कि आप मजाकिया हो, ठीक है, मतलब क्या कि कोई नहीं सोचता कि आप मजाकिया हो, टेक यूअर एल्बोज ऑफ द टेबल, और अपनी कोहनियों को टेबल से हटा लो, Can't you make your own mind up about anything? ठीक है, क्या आप अपना नहीं बना सकते mind up about anything? क्या मतलब कुछ भी दिमाग में, क्या आप अपना नहीं बना सकते कुछ भी अपने दिमाग में, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो पोएट ने बोला है कि कैसे मतलब क्या क्या बोला किया है, देखो अगर तब उसने चीनी से पूछा कि आपकी मम्मी आपको क्या बुलाती है, तो उसने बड़े उससे मतलब मैम को बताया कि क्या होता है, बड़े लोग इस तरह की बातें करते, स्पष्ट कहते हैं कि मुंह भर कर बात ना करो, अगर तुम्हारे मुंह में कुछ है तो तब तुम बात मत करो, और घूरो मत, ठीक है, तब बात बात में उसको पॉइंट जो दिया जा रहा है, इशारा मत करो, ठीक है बच्चों, अपनी नाक को मत उठाओ, और जागते रहना, ठीक है, जागते रहना, सीटा मतलब जागते रहना, ठीक है, कृपया बोलिए, मतलब जागते रहना बीच बीच में, मतलब किसी बात के लिए तो बिल्कुल अलर्ट रहा करो, कृपया बोलिए, और मतलब थोड़ा बोला करो, कम शोर करो, अपने पीछे का दरवाज़ा बंद करो, ठीक है, और अपने पैर मत खींचो, जैसे बच्चे बैठते हैं ना तो अपने पैरों को हिलाते, अपने पैरों को मत खींचो, क्या तुम्हारे पास हैंकी नहीं है, ठीक है, और अपने हाथ पॉकेट से बाहर निकालो, अपने मोजे ऊपर खींचो, फिर क्या हुआ था, सीधे हो जाओ, ठीक है, और शुक्रिया भी बोलो, थैंक यू बोलो, बिल्कुल भी बाधित ना करो, कोई नहीं सोचता कि आप मजाकिया हो, ठीक है, अपनी कोहनियों को टेबल से हटा लो, ठीक है, क्या आप अपना नहीं बना सकते कुछ भी दिमाग में, मतलब यहाँ पे पोएट ने बोला है कि हम अपने दिमाग में कुछ भी जो थॉट्स वगैरह होती है कि हम क्या कुछ भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है, तो बच्चों जो ये इसके जो पोएट हैं वो कौन है, पोएट इसके हैं
ये रिटन बाय जो पोएट है, पोएट बाय माइकल रोशंस ने यह पोयम लिखी गई है, ठीक है। कि कैसे मतलब जो चीवी का मतलब होता है कि हम किसी को कैसे टोका टोकी में हर वक्त कष्टप्रद तरीके से हम उसे बार बार बोलते रहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वहाँ मत करो, यहाँ पर ये रखो। तो इससे क्या होता है, ये बार बार एक तरह का कष्टप्रद तरीके से मतलब एक तरह की टोका टोकी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोएट ने चीवी का जो वर्ण किया गया है वो एक टीचर्स ने क्या कराया, अपने एक स्टूडेंट से पूछा है जिसका नाम माइकल था, और उससे पूछा कि आपकी मम्मी आपको घर में क्या बुलाती है। तो उसने पूरा ये जिक्र किया कि बड़े लोग अक्सर ऐसा करते हैं, ठीक है, और इस तरह की बातें करते हैं और साफ बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस पोयम में इतना ही, आप इसे पढ़ें, समझें, देखें, ठीक है बच्चों। और आप भी अगर किसी को कोई भी बात बोलनी हो तो उसे अच्छे से प्यार से बोलिए। अगर कोई आपसे किसी भी गलत तरीके से आपको कोई अपनी बात बोलता है, गुस्से बोलता है, तो आप उसको अच्छे से उसका रिप्लाई दीजिए, ठीक है बच्चों। इस पोयम में इतना ही, आप इसे पढ़ें, देखें, समझें, ठीक है। टेक केयर एंड बाय।